हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि फेस्टिवल का सीज़न शुरू होने जा रहा है, जैसे कि करवा चौथ, दीपावली, नवरात्रि। तो हर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं सुंदर दिखूँ, मेरी स्किन अच्छी दिखे और हेयर मेरे हेल्दी दिखे, स्किन ब्राइट करे, ग्लो करे। तो इसी चीज़ का ध्यान करते हुए मैं आपके लिए एक फेस्टिवल सीरीज़ लेके आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है उसी सीरीज़ का, जिसमें मैं आपके साथ एक स्किन टाइटनिंग जो क्रीम है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और मेरी इस सीरीज़ में आपको स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस रेसिपी के लिए आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्किन टाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत पहले से यूज़ होती आई है। हम इसके स्क्रब को भी यूज़ करते आ रहे हैं और ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इसका जो मेन बेस है मसूर की दाल का वो लिया जाता है। इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती हैं और हमारी स्किन को लाइट करने की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। तो हमारी स्किन लाइट और ब्राइट हो जाती है। अगर हम मसूर की दाल के बेस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो आपने 2 या 3 चम्मच मसूर की दाल के लेने हैं। तो उसको धो लेना है बहुत अच्छे से, फिर उसे 1 गिलास पानी में आपने इसको भिगो के रख देना है और 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे के बाद ये दाल जब उसमें फूल जाएगी तो आपने उसी पानी में इसको बॉईल करना है। इसके बॉईलिंग प्रोसेस के दौरान आपने ध्यान रखना है कि इसका पूरा पानी ना सूखे। आपने तब तक बॉईल करना है जब तक इसके अंदर अच्छे से उसके कंटेंट जो है वो मिल ना जाए, और बट इसमें पानी रहना चाहिए। उसी पानी को हम छानेंगे एक स्ट्रेनर के द्वारा। वही पानी हमारे क्रीम बनाने का बेस है। मसूर की दाल के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो उस पानी के अंदर आ चुकी हैं। अब उस पानी को आप कांच के बाउल में ले लीजिए और फिर आप उसमें 1 चम्मच अलसी का जेल मिलाएंगे। अलसी के जेल में भी स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन को हील करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये जो अलसी का जेल है इसको बनाने के लिए आपको इस 1 चम्मच अलसी को आपने पानी में बॉईल करना है। और पानी जब आप बॉईल कर रहे होंगे उस बॉईलिंग प्रोसेस के दौरान आपको उस पानी की कंसिस्टेंसी जेल जैसी दिखाई देगी। तो गरम गरम उस पानी को छान लेना है। थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें से 1 चम्मच वो जेल निकाल के आपने उस पानी में जो मसूर की दाल का पानी है उसमें मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। और उसी में आपने 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल के भी मिक्स करने हैं। आप एलोवेरा जेल कोई सा भी ले सकते हो, मार्केट बेस्ड भी और प्लांट बेस्ड भी। और एलोवेरा जेल में भी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन को ग्लो करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन में चमक आ जाती है, पोर्स को ये बंद कर देता है एलोवेरा जेल। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपने आपके लिए स्किन के लिए एक रामबाण है। तो आपने 3 से 4 चम्मच आपने एलोवेरा जेल के भी उसमें मिक्स करने हैं और अच्छे से हिला देना है। क्रीम की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को बांध के रखता है, मतलब स्किन में मॉइस्चर की कमी नहीं होने देता। जितना मॉइस्चर आपकी स्किन को चाहिए है उतना ही ये उस स्किन में आपको बना के रखेगा, उसको बांध के रखेगा। तो ग्लिसरीन ज़्यादातर लोग विंटर में यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि स्किन ड्राई नहीं होने देती ग्लिसरीन। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप विंटर में यूज़ करोगे इसे, लेकिन मैं एक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हाँ भाई, ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद लास्ट जो आपको चाहिए वो है एसेंशियल ऑयल। आप एसेंशियल ऑयल कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ रिकमेंड नहीं कर रही आपको कि कौन सा एसेंशियल ऑयल लेना है आपने। आपके पास जो अवेलेबल हो वो लो। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल लो, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लो, या टी ट्री, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आप ले सकते हो। आपने 1 या 2 ड्रॉप किसी भी एसेंशियल ऑयल की आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। बहुत अच्छे से हिला लेना है। आपके पास बहुत अच्छी सी क्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। और इस क्रीम को आपने यूज़ कैसे करना है मैं बता रही हूँ आपको कि आपने शाम के टाइम, रात को जब आपने सोना है, उससे पहले आपने अच्छे से माइल्ड क्लींजर
फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कर लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने इस क्रीम से हल्के हाथ से मसाज करते हुए, अपवर्ड जो मोशन होता है उसमें जो आप मसाज करते हुए आप इस क्रीम को डेवलप करोगे अपने फेस पे और गर्दन पे, और फिर आपने सो जाना है। रात को इस क्रीम को आपने अपने फेस पे लगे हुए छोड़ देना है। उसके बाद आपने मॉर्निंग में सुबह उठ के बहुत ही चील्ड वाटर से, मैं दोबारा बता रही हूँ, चील्ड वाटर मतलब नॉर्मल वाटर नहीं लेना, आपने चील्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है बहुत अच्छे से। तो आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है वो टाइट हो गई है, और जैसे ही आप इसे 1 और 2 वीक यूज़ करोगे इस क्रीम को, तो आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, बहुत अच्छी दिखेगी आपको। तो ये आपने रेगुलर हर रोज रात को इसको इस क्रीम को डेवलप करके सोना है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।